मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों आज हम लोग बात करेंगे 9 मई के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2076, मास चल रहा है बैसाख का, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र आद्रा, योग है धृति और करण है भव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सामान्यतः स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग बनते हैं। कहीं अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति है, तो आपको स्थायित्व मिलेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें तो आपको फायदा कहीं ज़्यादा मिल सकता है। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको आज बचना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक चिंताओं में वृद्धि के योग दिखते हैं। जन्म स्थान के आसपास कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। मेहनत में कमी करने से बचना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद तनाव का कारण बनेंगे। पूजा पाठ मन को शांति प्रदान करेगा, क्योंकि इस अवधि में आपके व्यवहार संबंधी समस्याओं में भी पूजा पाठ से कमी आएगी। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। समय व्यर्थ में न गंवाएं, बहुत ही बहुमूल्य समय है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पिता से अनबन संबंध के कष्टों को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। जीवन साथी से पुराने वाद विवाद समाप्त होंगे, नए रिश्तों का आरंभ होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें और त्वरित लाभ के लिए जल्दीबाजी आप ना दिखाएं। सिंह राशि। पारिवारिक विषय आपके सुख में कमी कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय ठीक कहा जा सकता है। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और घर आए हुए व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में देने के लिए यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपका और परिवार का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और अति आत्मविश्वास में कोई बड़ा वादा या बड़ा दावा, बड़ा कमिटमेंट किसी से नहीं करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय मध्यम फलकारी कहा जा सकता है। श्री सूक्त का पाठ करें और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की अनदेखी आप बिल्कुल भी न करें। वृश्चिक राशि। परिवार के लिए समय कम निकल पाने के योग बन रहे हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का, मिलने का अवसर मिलेगा, जहाँ आपको कई सारे पुराने लोगों से मिलने की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से आपको अच्छा सहयोग मिले, ऐसी स्थिति दिखती है। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और आर्थिक नुकसान को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी को लेकर के आप यात्रा पर जा सकते हैं। पारिवारिक सुख के लिए यह समय अच्छा कहा जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, दिनचर्या को बिल्कुल भी ना बिगाड़ें। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आ सकती है। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग बनते हैं। शनि भार्या स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए उत्तम होगा। अहंकार से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन पूजा पाठ, धर्म कर्म, तीर्थ यात्रा से परिपूर्ण रहने वाला दिन है। इस समय माता के स्वास्थ्य की बड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है। शिव चालीसा का पाठ करना, भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी होगा। आर्थिक दबाव और तनाव आप अपने ऊपर मत आने दीजिए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से व्यापार करने वालों को इस दौरान उन्नति मिलेगी। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार निवेश के लिए यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। धनदाय स्रोत का पाठ करना चाहिए और हर किसी से जो आप बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, मित्रता कर लेते हैं, वो आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें मैं आपको जीवन के कुछ अलग अलग समस्याओं से संबंधित उसका निवारण, उसका उपाय, उससे मुक्ति पाने का साधन, उसका टोटका बताने जा रहा हूँ, जिसमें गृह कलह भी है, परिवार में शांति बनाए रखना भी है, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए कुछ अलग अलग विषयों से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए, इनका प्रयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा।
सबसे पहले बात करते हैं घर में हो रहे कलह क्लेश को समाप्त करने के उपाय के लिए, यानी गृह कलह से मुक्ति का उपाय। आपको करना यह है कि रोज सुबह जब आप जागते हैं अपने स्वर को आपको देखना चाहिए। बिस्तर पर से उतरने से पहले अपने स्वर को देखें। स्वर यानी कौन सी नासिका चल रही है जिससे आप सांस ले रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। जो स्वर चल रहा है, अगर नाक के बाएं स्वर से आप जाग रहे हैं, आपके सांस चल रही है उस दौरान, तो बिस्तर छोड़ने से आपको जो है बाएं पैर को छोड़ने से पहले आपको बाएं पैर को ज़मीन पर रखना चाहिए। दाहिना स्वर चल रहा हो तो दाहिनी तरफ जो है आप अगर बिस्तर से उतरते हैं, दाहिना पांव आप अपना ज़मीन पर रखते हैं, तो इससे जो है आपकी बॉडी हमेशा ट्यून्ड रहेगी। तो जब बॉडी ट्यून्ड रहेगी नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ, घर की ऊर्जा के साथ आपकी बॉडी ट्यून्ड रहेगी, तो कोई भी आपको अनायास गुस्सा, उत्तेजना, क्रोध, इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति रहती है। और अगर परिवार के हर व्यक्ति इस चीज़ को फॉलो करें तो फिर झगड़े का कारण जो है, जो बड़ा कारण बनता है कि नींद अच्छी नहीं हो रही है, आप उठ रहे हैं तो चिड़चिड़ापन है, वो सब सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, आपस में प्रेम सौहार्द बना रहता है। परिवार में सुख शांति का दूसरा उपाय यह है कि बुधवार को मिट्टी के बने एक शेर को उसके गले में लाल चुन्नी बांध करके, लाल टीका लगा करके माता के मंदिर में समर्पित करके आना चाहिए, माता के चरणों में रख करके आना चाहिए, और परिवार की सभी समस्याएं बता करके उनसे शांति बनाए रखने की आपको प्रार्थना और विनती करनी चाहिए। यह क्रिया निष्ठापूर्वक करें, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। शादी विवाह में विघ्न पड़ने पर क्या उपाय करें? जब बार बार विघ्न पड़ जाता है, बात हो गई, तय हो गई, तारीख निकल गई और शादी उस डेट पर नहीं हो रही है, किसी भी कारण से डेट आगे बढ़ानी पड़ रही है, मजबूरी है, तो क्या उपाय करना चाहिए? शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से बाधाएं लिख करके ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, और शादी के बाद उस ईंट को उठा करके किसी पानी वाले स्थान में, जलाशय में डाल दें, और कुछ खाने का सामान उसके साथ आप गुड़ वगैरह, कुछ बताशे वगैरह भी जो हैं आप विसर्जित करें। इससे विवाह के समय में, जो विवाह में बिना मतलब की विघ्न बाधा आती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। वैवाहिक सुख के लिए, शादी के बाद दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए, कन्या का विवाह हो जाने के बाद उसे घर से विदा होते समय लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी और एक पीला सिक्का डाल करके उसके आगे फेंक दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन कन्या का जो है सुखी रहता है और उसको ससुराल के लोगों से भरपूर प्रेम और समर्थन मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये उपाय बहुत ही सरल, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, आप लोगों को निश्चित ही ये पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान।
एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।